नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यानी कि अकाउंट नंबर नहीं पता, जो उसका अकाउंट नंबर होता है पर्सन, वो अकाउंट नंबर आप पेटीएम से यानी कि जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर पेटीएम को डाउनलोड कर लेना है। पेटीएम को डाउनलोड करने के बाद आपको जो नंबर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक किया हुआ है, उस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो नंबर है उससे आपको यानी कि पेटीएम को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप पेटीएम नहीं भी यूज़ करते हैं तब भी आपको लॉगिन कर लेना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपका जैसे ही लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद अब आपको जो है सबसे पहले जाके आपको अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर पेटीएम एप्लीकेशन जैसे इस तरह का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सर्च करना है और यहाँ से ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ आना है, एक ऑप्शन रहता है UPI मैनेज सेटिंग के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि सर्च कर लेना है। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करने के बाद आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे ये ऐड हो जाएगा, देखिए ये मेरा ऐड हो चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट। ऐड होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद अब आपको इस तरह का जैसे इस तरह का आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा यानी कि बैलेंस हिस्ट्री के नाम से, जैसे कि यानी कि पेटीएम लोन है, और उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा, तो आपको हिस्ट्री लोन पे क्लिक करना है, यानी हिस्ट्री यानी कि जो है आपका हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको जो बैंक है बैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए फाइनल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक AC अकाउंट नंबर यानी कि अकाउंट नंबर आपको यह फाइनली दिख रहा है। तो इस तरह का आप अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन था, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।